जी मैंने एक शेप बनाई है, इस तरह इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लूँगा स्ट्रोक की। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, अल्ट्रा प्रेस करने के बाद एक शेप, सॉरी अल्ट्रा प्रेस किया, इसका कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं वैसे, कंट्रोल डी, ठीक है। और इसको फिर हम ग्रुप कर लेंगे, मैं इसका भी कलर चेंज करूँ, इन सब को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप करूँ, ठीक है, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया, ठीक है। इतना तो आपको बनाना आता है ना, आसान है। तो अब इस पर हम ये अप्लाई करते हैं ट्वेल ना, ठीक है। ये मैंने ट्वेल सेलेक्ट किया और इसका जो सर्कल है इसको अल्ट्रा प्रेस करके बड़ा कर, यहाँ से अप्लाई करते हैं पहले, देखें ये इस तरह का शेप आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, अल्ट्रा प्रेस करें, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ, इसी के बराबर कर लूँ, और अब मैं जो अप्लाई करता हूँ ये देखें, देखें ठीक है, अंडू किया, दोबारा देखें, ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा देखेंगे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। वन सिंगल क्लिक, ठीक है, वन क्लिक कर ये लिया कौन सा टूल है? बेटा, यही ट्वेल टूल है, ये अभी 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 हमने किया है ये वाला। इल्यूजंस भी है, इसी तरह बनते हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह बनते हैं, ठीक है। ये कैसे, क्या आप रिपीट कर दे? चलो मैं रिपीट करता हूँ, ये देखें, शुरू से मैंने पॉलीगन टूल लिया, और जब पॉलीगन टूल आप बनाएंगे ना तो ये इसके साथ ये इस तरह आ रहा होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया था, डाउन एरो से हमने इसके वो कम किए थे ना साइड्स, ठीक है। ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल को मुझे वही अपना मूव करवाना है, रोटेट टूल लिया मैंने, और अब यहाँ मैं इसका सेंटर पॉइंट लेकर आ गया, और अल्ट्रा प्रेस करके चले, मैं यहाँ पे हिट करता हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये आ गई, मैं ले रहा हूँ 30, और कॉपी, अब कंट्रोल डी, ज़्यादा शेप बन जाएंगे इसके, ठीक है। और कलर अगर चेंज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आता है, मगर कलर चले ये रहने देता हूँ उसका ना, और ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए, या इस हम ड्रैग कर लें, और कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया, ठीक है। अब अपने हम आते हैं 12 टूल की तरफ, ये सेलेक्ट किया आपने, और सेलेक्ट करने के आप देखेंगे इसी सर्कल को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सी वन सिंगल क्लिक करेंगे तो देखें, ठीक है। और अगर इसका साइज़ बड़ा कर लें हम, ठीक है, टूल में दिखा रहा टूल हूँ, से क्या है आपने? मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ, ये वाला टूल है, देखिए ये ट्विल टूल, ये मैं बता चुका अभी, तीसरी बार बता रहा हूँ उसे मैं, ये वाला टूल है, ठीक है। अभी इनसाइड में साइज़ में सर, छोटा ये जो किया था, ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं? जी जी इसी तरह बनते हैं, उसको भी शेड वो अप्लाई करते हैं ग्लो, ठीक है। ये देखें अभी मैंने कलर चेंज किया, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज के में क्या बताता है, डबल क्लिक कर लेते हैं उसको, ताकि या यहाँ से इसको अलग अलग सेलेक्ट भी कर सकते हैं वाइट एरो से ना। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट ज़रा अच्छा नज़र आएगा आपको, ठीक है। एक मैं येलो ही रहने दे रहा हूँ, और बाकी के वन बाय वन में कलर चेंज कर रहा हूँ, ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा मेरा, चलिए। अब ब्लैक एरो सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप में सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। टूल हमने सेलेक्ट किया, और साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, अल्ट्रा प्रेस करके रखेंगे, अल्ट्रा प्रेस करने के बाद माउस को जब आप ड्रैग करेंगे अप अप और देन लेफ्ट करते हैं, ताकि वो इक्वल हो जाए ना सर्कल, ओवल ना बने, वो इक्वल हो गया। अब इसको आप ज़रा सिंगल क्लिक करेंगे, वन क्लिक सी, ठीक है। अब अगर दबा के रखूँगा तो क्या होगा, देखें ये बन जाएगा, अब डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायर्ड है, मैं अंडू कर रहा हूँ बार बार ना, ठीक है। तो सिंगल क्लिक किया जस्ट, और ये देखें, ठीक है। अब इसको अगर हम सेलेक्ट करें और ज़रा जाएं,
ठीक है, स्लाइस में गया हूँ मैं और आउटर ग्लो, देखें आउटर ग्लो में मैं ले रहा हूँ कलर कोई दिस वन, ठीक है ओके कर दें। और अच्छा ये कलर नज़र क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज पीछे वाइट है, ठीक है अगर मैं डार्क कलर लेता हूँ तो फिर आपको नज़र आएगा। सही, तो हमने क्या करना है, हमने लेना तो वैसे ये वाला कलर है, ठीक है और ओके करते हैं। पीछे अगर हम इसके थोड़ा सा डार्क कलर, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है अब इसका अलूजन नज़र आ रहा है आपको ये, ठीक है इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए हम देखें आउटर ग्लोब ने अप्लाई किया था यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा हिट करें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कलर आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ओके okay। और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी, ठीक है बढ़ गया इसकी इल्यूजन्स से, ठीक है जी। मुझे अब ये बनाकर दिखाएंगे इस तरह की कोई चीज़, और इसको आप रोटेट करना है, देखें इसको आप रोटेट कर सकते हैं जिस तरह चाहें।